वेलकम गाइस, एस एस सी आई क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है ऑलरेडी। फ्यूचर टेंस का एक पार्ट हो गया है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब सेकेंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसे किस तरह से हम पहचानेंगे, कि किस तरह का सेंटेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान बताता हूँ आपको, पहचान क्या है। सिंपल सी पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, ये इस तरह की पहचानें हैं इसकी, ठीक है। रहे होंगे, ये होते हैं। इसमें क्या होता है आप देख लो, जो मैंने बताया आई और वी, इसमें जो पर्सन की बात होती है वहाँ इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ आई वी का रोल काफ़ी होता है। तो यहाँ पे आई वी जहाँ रहेंगे सब्जेक्ट, वहाँ सेल बी का यूज करेंगे, और जहाँ पर ही सी इट दे यू ये होंगे वहाँ पर विल बी का यूज करेंगे। प्लस वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सेम चीज़ इसमें भी रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ये आपका पूरा पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसी बेस पे आधारित है। तो देखते हैं, एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे हो गया आपका, सीता खेल रही होगी, ये है। तो यहाँ पे सीता लिखें आप, सीता विल बी प्लेइंग, ठीक है। सारे थर्ड पर्सन में हैं, सीता विल बी प्लेइंग, तो जितना थर्ड पर्सन रहता है जैसे ही सी इट दे यू तो सेकंड पर्सन में जाता है, आई वी फर्स्ट पर्सन में जाता है। तो यहाँ पे जितने नाउन हैं, ठीक है, वो भी नाम है, जो नाउन के अंदर नाम वाम आते हैं वो भी सारे विल बी ही में ही ट्रीट किए जाएंगे। ये याद रखना कि ये नहीं कि नाम आ गया तो मैं कौन सा लगाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे ही सी इट रहता है जिसमें जो यूज़ किया जाता है वही नाम के साथ भी यूज़ किया जाता है, वही बहुवचन के साथ भी यूज़ किया जाता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का चल ही रहा है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैं अभी बता रहा हूँ ना सारा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। तो जैसे मैं आ जाए, मैं खाना खा रहा हूँगा, ये आ गया आपका। तो आई सेल बी ईटिंग फूड, ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। हम कपड़े धो रहे होंगे, वी सेल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये इस तरह का हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन इसका। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हर जगह नहीं आ जाता, मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, ये आ गया आपका। आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ देखिए सेल और बी के बीच में नॉट को लगाया जाता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि सेल और बी के बीच में ही नॉट को लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, आई और वी जब यूज करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो एम वी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस आई एन जी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब
तीसरा अगर आ जाए इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम पानी पी रहे होगे? तो इसमें देखिए क्या की जगह पे चूंकि यू है तो यू के साथ विल लगाते हैं, तो विल लगा देंगे, विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ विल बी और शैल नॉट बी, जैसे यहाँ शैल और बी के बीच में नॉट की एंट्री हो गई, ऐसे यहाँ पे भी अब जब आ जाए आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जब दोनों मिक्स हो के आएंगे तब कैसे करना है वो देखो आप। इसका एग्जांपल देख लो, रमेश कुएं से पानी क्यों निकाल नहीं रहा होगा? ठीक है, इसमें दोनों हैं तो क्यों की अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे व्हाई, विल रमेश बी लिख देंगे आप, व्हाई विल रमेश बी निकाल नहीं रहा होगा, तो नहीं के लिए यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, नॉट बी लिखेंगे, व्हाई विल रमेश नॉट बी। ठीक है, निकालना का वाटर वहाँ से निकालना है, आउट करना है आपको, तो टेक आउट कह सकते हैं, टेकिंग आउट ले रहा है निकाल रहा है, इसके लिए मैं इसी को यूज़ करूँगा टेकिंग आउट। व्हाई विल रमेश नॉट बी टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी निकाल रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है आपको, जो भी है आई वी ही सी प्लस यहाँ विल सेल प्लस आई वी ही सी जो भी है, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, प्लस बी का यूज करेंगे, प्लस जो भी एम वी फर्स्ट फॉर्म है उसमें आई एन जी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, तो इस तरह से ट्रांसलेशन होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, जो था मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, आई होप आपको समझ में आए होंगे रूल्स कैसे हैं। चलो मैं एक एक के आपको एक एक फिर से एग्जांपल चारों के अच्छे से बताता हूँ, ट्रांसलेशन और एग्जांपल। ठीक है, तो अफर्मेटिव का देख लेते हैं हम, रमेश कल बाजार जा रहा होगा, ये ट्रांसलेशन इसको करना है, तो रमेश लिखिए, रमेश विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब दूसरा देख लीजिए, रवि खेल नहीं रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, रवि विल नॉट बी प्लेइंग, ये है। अब आ गया कल
रेखा कहाँ जा रही होगी? तो वेयर विल रेखा बी गोइंग ऑन टुमारो? ठीक है, ये हो गया। अब कोई और बना लीजिए, जैसे क्या मैं सेब नहीं खरीद रहा हूँगा? तो सेल आई नॉट बी बाइंग एप्पल? ठीक है, ये इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया। ये चारों सेंटेंस हो गया, ठीक है। पहला अफर्मेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चारों। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ जो आपको करने हैं। कुछ खास नहीं है, सारे जो टेंसेस हैं वो काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। अब देखिए होमवर्क आपका क्या है। ऋत्विक रमेश से क्या पूछ रहा होगा? ये है, सभी के चार फॉर्म बनाएंगे, सभी के चार फॉर्म बनाने हैं आपको। और मैं ट्रांसलेशन जो दे रहा हूँ, सीता गीता से बात कर रही होगी, ठीक है। रूबी रेशमा के पास के साथ रूबी रेशमा के साथ खेल रही होगी। तो इसके आपको तीनों के चार चार बनाने हैं ट्रांसलेशन। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पूरा मैंने क्लास बता दिया है, कैसे कैसे रूल्स हैं, क्या क्या ट्रांसलेशन का मेथड है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू आए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट और करना है, जो आपको और नीडेड है, तो मैं उसके हिसाब से और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। Take care. Bye-bye.